हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोगों का हमारे चैनल सक्सेस एवरीवन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देख लेते हैं पर्सनालिटी 4.1 का प्रश्न नंबर पहले का 7वां सवाल, जिसको ज्ञात करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण होने के लिए ax2 + bx + c = 0 इसके जैसा होना चाहिए, जिसमें a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब इसको हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि इसके जैसा है कि नहीं। तो इसको हल करने के लिए हम देख रहे हैं कि x+2 का होल क्यूब है। अब ये x+2 का होल क्यूब यानी a + b को होल क्यूब का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इसका सूत्र आप लोगों को नहीं मालूम है तो आई बटन में देख सकते हैं वीडियो। ये होता है जैसे a + b का होल क्यूब, ये होता है a³ + b³ + 3ab कोष्ट में a+b, इसी पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो इसमें एक जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो इस पर तोड़ते हैं, रखते हैं इसी पर a³ यानी कि x³ + b³ यानी कि 2³ + 3ab, 3 एक जगह पर x और b की जगह पर 2, 3ab कोष्ट में a+b यानी कि x+2 बराबर। इसका भी इसमें गुणा कर लेते हैं तो 2x³ इसका इसमें करते हैं -2x, इसको हल करते हैं तो आएगा x³, यहाँ पर यह है 2³। इसका मतलब होता है कि 2 को 3 बार लिख कर गुणा करेंगे, ऐसे 2 × 2 × 2, 2³ का मतलब होता है ये। तो इसको गुणा करते हैं तो आएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3 × 2 = 6 + 6x, इसको उतार लेते हैं x+2 बराबर, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर 2x³ - 2x, अब इसको हल कर लेते हैं, इसको भी इधर ला दे रहे हैं तो x³ + 8 इसका इसमें गुणा कर ले रहे हैं तो +6x² इसका इसमें गुणा कर रहे हैं +12x, इसको इधर आ दे रहे हैं तो -2x³ और इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा +2x = 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर -2x³ है, यहाँ पर x³ है तो ये घटेगा, तो ये बड़ा है तो इस ये वाला चिन्ह लगेगा -x³, ये 2 है यहाँ पर 1 है तो 1 बच जाएगा। अब देखते हैं इसको, यहाँ पर 6x² है तो इसको पहले लिख दे, क्रम में लिख रहे हैं +6x², यहाँ पर 12x है और यहाँ पर 2x, 12 और 2 14, +14x, यहाँ पर +8 है बस तो +8 = 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो ये समीकरण आया है इसके जैसा नहीं है, ये त्रिघात समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण है तो इसके जैसा नहीं है, इसलिए हम लोग कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।